नहीं तंग करो उसको। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ अलॉग। कैसे हैं आप सब? आज तो आपको सलाम मैंने बारिश के साथ किया है। हॉस्ट्रो बिछा हुआ है, यहाँ से इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही, बट आई ट्राई। और यहाँ मैं जा नहीं सकती, पानी। ओहो यस, ये देखिए रोड सारे गीले हो गए हैं। और और इतनी प्यारी हवा चल रही है, सुभान अल्लाह। वो देखो सामने सामने भी रोड सारी गीली है, ब्यूटीफुल। और रमज़ान में ऐसा मौसम हो तो इट्स अमेजिंग एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इतना प्यारा इतना खूबसूरत रमज़ान हमें दिया है। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें जितना भी शुक्र अदा करें कम है। जी हेलो, कैसे आप सब? ठीक ठाक हैं? मैंने सोचा कि बारिश हो रही है तो क्यों ना मैं भी इसका मज़ा उठा ही लूं। छोटी छोटी दो तीन चीज़ें चाहिए थी तो मैंने कहा चलो मिसी का बहाना लेते हुए हम भी ज़रा सैर कराते हैं। देखिए कितना प्यारा मौसम हुआ हुआ है, अभी बारिश रुकी हुई है और पौधे कितने प्यारे धुल गए हैं, ग्रीन ग्रीन हो गया। और ये देखिए, ये क्वेटा में हम हुआ करते थे तो ये वहाँ बड़े बड़े हुआ करते थे। और यहाँ पे देखिए अब ये छोटू निकल रहे हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत हैं कि हमारे फूल भी निकल आए हैं, बहुत ही प्यारे। ये देखें फ्रेश फूल बिल्कुल, पहले सिर्फ दो थे और अब ज़्यादा निकल आए हैं, सो ब्यूटिफुल। सो वी आर गोइंग फॉर सम यू कैन से ग्रोसरी थिंग्स। ये देखें सनरूफ हमने खोली है तो कैसे उस पर पानी के ये कतरे गिरे हुए और कितनी क्यूट लग रही है, ये जबरदस्त। इतना मजे का मौसम है ना, उफ दिल चाह रहा है घर ना जाए, अफतारी कहीं बाहर ही कर ले, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त किस्म का मौसम है। बारिश है और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और जनाब ठंडा ठंडा भी मैंने और शीशा नीचे के ठंडी ठंडी सी हवाएं आ रही है, क्या मजे आ रहे हैं। और जो बाइक पे जा रहे हैं मैं हैरान हूँ उनका क्या हो रहा होगा। And look at the greenery of Islamabad. This is so pretty, beautiful. सामने देखो ऊंचा नीचा, क्या शहर है यार, क्या शहर है ये। देखो गाइस कितना प्यारा सीन है। ओहो हो, दिस इज सो ब्यूटिफुल, कमाल हो गई, एंड दिस इज अमेजिंग। चलें हम अभी स्टोर में चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है और अच्छी खासी बारिश है यहाँ पे, मुझे बहुत मजा आ रहा है। और मार्च बहुत अच्छा था। देखिए मेरी ग्लासेस पे भी बारिश हो रही है। ओहो हो, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा गाड़ी में बैठने को, लेकिन बैठना पड़ेगा। ये देखिए कितनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई है। हुए हुए हुए, गुड। ये देखिए इस मौसम में ये फ्लावर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और मैंने भी इसी कलर का जो है वो सूट पहना हुआ है। आई थिंक मैं यहाँ जाके जरा ना पिक्चर खिंचवाती हूँ। नभा को हमने इतना कहा कि यार हमारे साथ चलो, इतना अच्छा मौसम है, बट वो शी सेड के नहीं जी मैं टायर्ड हूँ, मैंने नहीं जाना अब ये वो। तो अभी फोन कर रही, हमने उसे बताया बाहर बारिश हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है। तो कहती हूँ मुझ में काश मैं भी चली जाती, क्योंकि इतना जबरदस्त मौसम हो रहा है ना कि दिल खुश हो रहा है। ये देखे कितनी प्यारी प्यारी बारिश हो रही है, फिर उसके साथ ये कुदरती देखे ऑफ वाइट है और ये पिंक है, ब्यूटिफुल, सो नाइस यार।
सो गाइस ये देखिए आगे ऑल्टो और होंडा की हो रही थी लड़ाई अभी, और होंडा वाला जो है ना वो ऑल्टो वाला उसको दे रहा था धमकियां, और यार ना सीरियसली उसको जो है बिल्कुल उसमें घुसा रहे अपनी गाड़ी, और उसको वो देखे उसको कह रहा आओ पीछे आओ, और बेचारे को धमकी दे रहा है। रेड वाला भी आ गया, ये ऑल्टो वाला उसको धमकियां दे रहा है, बहुत ही बदतमीज है। टर्न पे भी इसने उसके साथ इतना बुरा किया, टच करके गाड़ी उसकी और फिर साइड पे किया और उसको आगे से थ्रेट करने लग गया। सो गाइस ये देखिए इसको मुसलसल थ्रेट कर रहा है, ये देखे भगा रहे हैं इस बारिश में भगा रहे हैं। ओह गॉड उई उसकी तो मेहरान है, उसको क्या उसका 200 रुपए का, वो उसको नहीं मारेगा, अगर से मारा उसकी बड़ी गाड़ी है वो उसको बताएगा अच्छी तरह से, लेकिन वो सिर्फ उसको धमकियां देता जा रहा है ऑल्टो वाला मेहरान वाला। कोई ड्राइवर है और कोई टैक्सी वाला है वो जो उसके साथ ऐसे कर रहा है, कह रहा तुम निकल के, वो उसको ये कह रहा है कि तुम मेरे मुझसे आगे निकल के दिखाओ, वो एक्चुअली ना उसको अपने यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहा। देखो वो देखो ये अब भगाएगा, ये निकला ना होंडा वाला निकला, अब देखना होंडा वाला निकला और ये बारिश इतनी तेज हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, और उसमें ये वो तो टर्न हो गया, वो तो आगे चला गया। अभी हम फवाद को लेने जा रहे हैं क्योंकि फवाद ने कहा मुझे ले जाएं, बहुत तेज बारिश है और उसके पास बाइक थी, तो मैंने कहा चलो हम करीब ही हैं तो हम पिक कर लेते हैं। देखिए कितनी तेज बारिश अब हो रही है। सो गाइस यहाँ पे आज हमने बना लिए हैं दही बल्ले, यासीन आज दिल चाह रहा था इसका जलेबी खाने का, ये ले आया, और कचौरी। आज मेरा ऐसे में डल हुई हूँ ना, अजीब सी हुई हूँ, बिल्कुल कुछ करने को दिल ही नहीं चाह रहा। बस फिर नबा ने कहा बैठे मैं कर लेती हूँ, यासीन ने कहा मैं जलेबियाँ ले आता हूँ कचौरियाँ ले आता हूँ, तो मैंने कहा चलो बस ये हो गया हमारा अफ्तारी, बस और यही खाना होगा हमारा और यही अफ्तारी होगी, क्योंकि बस काफ़ी हैवी है और उसके बाद फिर हम सहरी ही करेंगे। सो आज खूब इंजॉय किया हमने बारिश को, मज़ा आया, घूमे फिरे, बस यही होती है लाइफ, और छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं वो आपके लिए बड़ी बड़ी होती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप बड़े रेस्टोरेंट्स में जाएं, बड़ी जगहों पे जाएं, यही अपने इलाके में हम घूम फिर के छोटी मोटी चीज़ें लेके और आ गए और हमने इंजॉय कर लिया उसको। कचौरियाँ हम ले आए और जलेबियाँ, उसी से हमारी इफ्तारी हो गई और मज़ा आया बहुत ज़्यादा, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और आज आपने देखा कि किस तरह से वो जो ऑल्टो वाला था, मेहरान वाला जो था, वो होंडा वाले को किस तरह से थ्रेट कर रहा था और किस तरह से उसको उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, जबकि सिविक वाले का कोई कसूर नहीं था क्योंकि हम उसके पीछे थे और हम देख रहे थे। मैंने यासीन को एकदम का देखो ये बदतमीजी कर रहा है, इसको टर्न वो यू टर्न ले रहा है और ये उसके अंदर जो है ना अपनी गाड़ी घुसा रहा है, मतलब ही वॉन्टेड कि वो पहले टर्न कर ले जबकि उसका राइट नहीं बनता था। एनीवेज फिर मैंने कैमरा बाद में काफी ऑन किया, जब मैंने देखा तो उसको थ्रेट्स दे रहा, लड़ रहा और उसको इशारे कर रहा है कि आओ आओ मैं देखता हूँ तुम किस तरह मेरे मुझसे आगे निकलते हो। तो थोड़ा रमजान में एहसास करें, आप लोग मुसलमान हैं और ये चीजें ना किया करें, और सबर, रोजा क्या सिखाता है, सबर सिखाता है। तो जब आपका रमजान में रोजे में ही सबर नहीं है तो फिर इस रोजे का क्या फायदा हुआ। ज्यादा एक्सीडेंट्स होते ही बारिश में, और बारिश ऐसी थी कि हल्की हल्की थी जब हम घर से निकले और अचानक बहुत तेज हो गई, फिर हमने जब फवाद को पिक किया तो बहुत तेज बारिश थी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें बारिश में, बाइक्स वाले खास तौर पे क्योंकि स्लिप होने का खतरा होता है आजकल मौसम इस तरह के, तो प्लीज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सब्र रखें।
ठीक है ना। हमारा दिन हो चुका है पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी भी हो गई, सब कुछ हो गया। अभी मेरी आईज थोड़ी रेड हो रही हैं, ये देखें, तो मुझे अजीब सी जलन सी हो रही है। मैंने कहा चलो कैमरा ऑफ कर देती हूँ और अब इसके बाद नमाज पारा सब कुछ वही होगी रूटीन। होपफुली आज की रूटीन हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो मेरे चैनल को जल्दी से, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टाटा।